हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। तो मैं इसमें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हम लोगों को अपने गेम के जैसे GTA San Andreas इस गेम के हमें ग्राफिक्स कैसे करने हैं। जैसे आप मेरी ग्राफिक्स देख सकते हैं आप लोगों को ऐसे ग्राफिक्स करने के लिए, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो बिना देरी के लिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को अपने मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर सीधे डाउनलोड कर देना है। उसको टैप करके उसको आपको फाइल डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है और फिर अपना ज़रा सीवर खोल देना है। मैं इसका लिंक दे दूँगा आप लोगों को, आपको उसको ओपन करना है। तो मैंने अपना फाइल फोल्डर में एक बना रखा है। आपको एक ऐसा फोल्डर मिलेगा, आपको इस फोल्डर को क्या करना है, इस फोटो को दबाकर एक टैप करकर एक्सट्रैक्ट हेयर पे दबाए रहे। जैसे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर पे दबाए रहे तो आपको एक ये फोल्डर मिलेगा। तो आपको सिंपल इस फोल्डर को ओपन करना है, फाइल्स में जाना है HDB में, और फिर आपको GK3 में जाना है। और यहाँ पे आपको रीनेम का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको उसको रीनेम करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ रीनेम, मैंने अपने पहले से DHT डाल रखा है। आपको CPU गेट डाउनलोड कर लेना है, मैं उसको भी आपको उसका लिंक दे दूंगा। आप लोगों को बस डाउनलोड करके वहाँ पे अपना चेक कर लेना है। जैसे आप मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे आपको चेक कर लेना है आपका कौन सा GPU रेंडर है। फिर उसका उस हिसाब से आपको अपनी फाइल को रीनेम करना है। आपको फाइल रीनेम होने के बाद आप लोगों को मेन्यू में यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर चेंज नहीं करना। आपको सिंपल बैक कर लेना है, बैक, और फिर इसको पूरे को कॉपी करके मोड, डिवाइस मेमोरी, एंड्रॉइड डाटा और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मैं पहले से पेस्ट कर चुका हूँ तो मुझे कोई पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम सीधे चलते हैं अपनी गेम पर। तो गाइस, आप लोग देख चुके हैं मैं गेम में आ चुका हूँ और ये मेरे जो अपनी ग्राफिक्स हैं। आपको ग्राफिक्स को अच्छा बनाने के लिए ऊपर से अपने क्लियर मोड खोले हैं। अगर आप क्लियर मोड नहीं है आपके पास तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे करने हैं क्लियर मोड। तो ये चीज़ कैसे डालनी है, तो हमें सिंपली GT5 ग्राफिक्स जैसे आपको दिख रहा है उसके ऊपर टैप कर देना है। तो हमारे ग्राफिक्स थोड़े अच्छे होंगे और तो ऐसे ही ग्राफिक्स आप लोगों को अपने गेम में मिल जाएंगे। तो गुड बाय, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।